नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एप्पल बेर प्लांट आप फ्रूटिंग लेने का बाद में कैसे कटिंग करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इधर हम 200 का ऊपर पौधा लगाया था। लगाने का बाद में इसमें फ्रूटिंग लिया है, लेने का बाद में कटिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी इसका जो फ्रूटिंग पीरियड होता है लगभग सितंबर में फ्लावरिंग आता है एप्पल बेर प्लांट में, और वही फ्लावरिंग से जो फ्रूट बनता है एक महीना टाइम लगता है, एक से दो महीना टाइम लगता है फ्रूट बनने में। आपका सितंबर पूरा महीना भर फ्लावरिंग आता रहता है, और अक्टूबर नवंबर का लास्ट वीक से आप फ्रूट तोड़ पाएंगे। नवंबर का लास्ट वीक से आप फ्रूट तोड़ना चालू कीजिए, यानी नवंबर का 20 से 25 तारीख का अंदर आप फ्रूटिंग तोड़ना चालू कर दीजिए। फ्रूटिंग तोड़ना चालू करने का बाद में लगभग जनवरी का 15-20 तारीख या जनवरी का लास्ट वीक तक आप फ्रूटिंग ले पाएंगे, फ्रूटिंग तोड़ पाएंगे। जनवरी का लास्ट वीक तक आपका एप्पल बेर प्लांट का पूरा फ्रूटिंग तोड़ना ख़त्म हो जाएगा। उसका बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कोई सोचता है वैसे ही रख देना पड़ता है नहीं तो ख़राब होता है, वैसा कुछ नहीं होता। जब भी आपका फ्रूटिंग ख़त्म हो जाएगा तब भी वैसा करके देख सकते हैं आप, ऐसा मिट्टी से, ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी से लगभग 1.5 से 2 फीट, ये जो हम रखा है देख सकते हैं आप, 2 फीट भी नहीं, 1.5 फीट का थोड़ा ज़्यादा रखा है, यानी 2 फीट से 2.5 फीट आप रख दीजिए। वो 2.5 फीट रखा गया है, ऐसे 2 फीट से 2.5 फीट आप रख दीजिए। जो मेन जो स्टिक होता है, मेन जो मोटा स्टिक होता है, ये मोटा स्टिक रखना है। ये जो मोटा स्टिक आप देख रहे हैं ये वाला रखना होता है, ये जो है छोटा वाला रखने का ज़रूरत नहीं है, ये वाला रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप मोटा जितना स्टिक होगा वो स्टिक रख दीजिए, वैसे डिज़ाइन करके आप कटिंग कर सकते हैं। और एक बात है जिस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कटिंग आप करेंगे देखिए ऐसे स्मूथ करके कटिंग करना पड़ता है, ऐसे स्मूथ करके आप कटिंग नहीं करता तो इधर क्रैक हो जाता है, इधर फट जाता है, इधर पूरा फाड़ जाता है। तो वैसा फाड़ जाता तो जितना दूर तक, कोई कोई टाइम जब भी आप कटिंग करेंगे तब भी देखेंगे वैसा कटिंग कर दिया, करने के बाद में इधर से फाड़ गया, फाड़ जाता तो इतना दूर तक सूख जाएगा। और ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, इसका नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए आपको सभी टाइम देखना पड़ेगा जो नाइफ से आप कटिंग करेंगे, जो शस्त्र से आप कटिंग करेंगे वो बहुत शार्प होना चाहिए। मतलब आप काट करता तो एक बार इधर मारता तो क्लियरली काट होना चाहिए, वैसा आप शस्त्र यूज़ कीजिए। करता तो ये देखिए हम जो इसमें कटिंग किया है एक बार में कटिंग किया, दो बार इसमें कटिंग करेंगे तो इधर क्रैक हो जाएगा, मतलब इधर थोड़ा फट जाएगा, तब भी क्या है इसका थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए सभी टाइम आपको क्लियरली काटना पड़ेगा। देखिए पूरा स्मूथ है, हम जो कटिंग किया है पूरा स्मूथली कटिंग किया है, देख सकते हैं आप, ऐसा स्मूथली कटिंग कर दीजिए, नहीं तो आपको क्या होगा वो भी आपको दिखा रहा है। चलिए आपको दिखा रहा है, ये जो है हम दो तीन बार काट किया था, ये जो है देखिए एक बार में हम कट करके पूरा निकल दिया, एक बार में निकल दिया, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से नया नया करके नया नया ब्रांच भी आ जाएगा, पर ये जो आप देख रहे हैं ये हम दो बार कटिंग करने के लिए दो बार इसका जो शस्त्र है दो बार हम यूज़ किया था, तो देखिए इधर से फट गया, ये देख सकते हैं इतना दूर तक ये सूख जाएगा, इतना दूर तक भी सूख सकता है, ये पूरा ब्रांच भी सूख सकता है। आपका मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता तो इतना दूर तक सूखेगा, पानी नहीं रहता तो पूरा ही सूख जाएगा, इतना दूर तक सूख जाएगा, इसीलिए आप सभी टाइम कोशिश कीजिए एक बार में, ऐसा देखिए ऐसा एक बार में काट कर दीजिए, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छा से इसमें से नया नया ब्रांच भी आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर इसमें से अच्छा खासा फ्लावरिंग भी आप ले सकते हैं। तो ये जो बात था हम आपको बोल दिया, चलिए कैसा ब्रांच भी आता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए जो है आपको मेन जो चीज़ है, दो तीन चीज़ याद कर रख के आप काम करना पड़ेगा, वैसे करके कटिंग करके देने का बाद में आपको क्या करना पड़ेगा,
पानी देने का जरूरत नहीं पड़ता। आप जनवरी का बाद में आप कटिंग कर दीजिए, कटिंग करने का बाद में दो तीन महीना, मतलब तीन चार महीना आपको जून तक पानी देने का जरूरत नहीं है, पानी देने का जरूरत नहीं है। उसका बाद में जून से तो बारिश चालू हो जाता है, जून में जब भी बारिश चालू हो जाएगा तब भी ऐसा करके नया नया ब्रांच आने का चालू हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ऐसा करके सभी जगह से ऐसा ऐसा नया नया ब्रांच आना चालू हो जाएगा। जब भी नया नया ब्रांच आएगा तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा खाद देना पड़ता है, अच्छा खासा ट्रीटमेंट रखना पड़ता है, फर्टिलाइज़र अच्छे से देना पड़ता है। तब भी अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए। ये जब भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सभी ब्रांच इतना बड़ा 2 फीट 3 फीट 4 फीट हो जाएगा, तब भी इसमें बहुत डिजीज लगता है, कीड़ा लगता है। इसके लिए फंगीसाइड बहुत सारी यूज़ करना पड़ता है, वो कौन सा यूज़ करना पड़ता है आपको नेक्स्ट में हम बताते रहेंगे। वैसे भी ये सभी यूज़ करना पड़ता है। देखिए नया नया करके ऐसे ही आपको ब्रांच आते रहता है, जब भी ये ब्रांच बड़ा होता है तब भी, मतलब आपका जुलाई का बाद में, जून महीना जब भी एक भी बारिश हो जाएगा ना तब भी आप इसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। तब भी ट्रीटमेंट चालू नहीं करते तो बहुत लेट हो जाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए। इसीलिए जून महीना जब भी पार हो, जून महीना का फर्स्ट एक भी बारिश जब भी होगा तब भी आप अच्छा खासा ट्रीटमेंट चालू कीजिए। बारिश होने का बाद में उसमें आपका फर्टिलाइज़र दे दीजिए, खाद दे दीजिए बराबर। खाद देने का बाद में आप देखिए सभी ब्रांच अच्छा से बहुत हेल्दी होगा ये, और बहुत अच्छा से तेज आगे बढ़ रहे हैं। जब भी बड़ा हो जाएगा लगभग सितंबर का पहले बड़ा हो जाता है ये, जब भी बड़ा हो जाएगा तब भी इसमें अच्छा खासा फंगीसाइड यूज़ कीजिए, दवा यूज़ कीजिए, जो आप रासायनिक भी यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक भी यूज़ करते हैं, हम रेकमेंड करते हैं फंगीसाइड सभी टाइम रासायनिक यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक उतना असर जल्दी से असर नहीं होता। इसीलिए आप फर्टिलाइज़र सभी टाइम ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और हेल्दी होता है। तो आज का वीडियो यही था, आप देख सकते हैं ऐसा करके आप कटिंग करने के बाद में ये जो आएगा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और तब भी अच्छा खासा ट्रीटमेंट कीजिए। करने के बाद में सेप्टेम्बर से फ्लावरिंग आएगा, फिर आपका फ्रूटिंग आ जाएगा, फ्रूट ले लीजिए, फिर जनवरी का बाद में कटिंग कर दीजिए। यही सीरीज चलता रहता है, लगभग एप्पल बेर का प्लांट 10-12 साल तक तो आप वैसे ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हैं। जब भी देखेंगे बहुत काम हो रहा है फ्रूटिंग, तब भी काट करके फेंक के नया प्लांट लगा लीजिए। सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपका फ्रेंड के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।